देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे रेड कलर की साड़ी और एक येलो कलर की साड़ी ली हुई है। ये दो साड़ी में हमारी डोरमेट कंप्लीट होती है। तो इसको मैं ज़्यादा बड़े फंदे में नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मैंने येलो कलर की ले ली है एक, और एक रेड कलर की, ये सिंपल। और ये तो देखिए प्रिंट में साड़ी है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर फ्रेंड्स 3 के मल्टीपल फंदे लिए हैं। तो यहाँ पर हमने 27 फंदे लिए हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 30 फंदे भी ले सकते हैं, या 60 फंदे, 50 फंदे, जैसे आप लेना चाहें 3 के मल्टीपल फंदे ले सकते हैं। तो यहाँ पे फंदे लेने के बाद देखिए हमने 3 कली बनाई हुई है। चौथी कली मैं आप लोग को बनाना बताऊंगी। देखिए पीछे की साइड से हम इसको सेकेंड कलर लगाएँगे। तो शुरू से ही मैं आप लोग को बता रही हूँ, जैसे हम शुरू से बताते हैं स्टार्टिंग से, वैसे ही ये भी बनेगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पे अब पीला कलर से बनाएंगे। तो पीले कलर को हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब रेड कलर हम यहीं पे छोड़ देंगे। पीछे की साइड से हम सभी फंदे को येलो कलर से, पीला कलर से बनाएंगे। आपके पास चाहे जो कलर की साड़ी हो या पुराने दुपट्टे, टी शर्ट से भी बना सकते हैं आप इसको। आप इसको ऊन से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास पुराना स्वेटर है तो उसको उधेड़ कर भी डोरमेट बना सकते हैं। तो जैसे ये घर पे पड़ी पुरानी चीज़ों का यूज हो जाता है फ्रेंड्स, और काफ़ी यूजफुल भी होती है ये डोरमेट। देखिए पीछे की साइड से हम सभी फंदे को बना रहे हैं, एक भी फंदा हमने छोड़ा नहीं है। तो ये हमारी पहली ही रो से डिज़ाइन बनेगी, जैसे ही आपने फंदे डालने हैं। फंदे डालने के बाद आप पूरी सिलाई, देखिए फंदे डालने के बाद हमारी पहली ही सिलाई से ये डिज़ाइन बनेगी। अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। बहुत इजी है, और साड़ी वाला प्रोजेक्ट काफ़ी जल्दी होता है। ऊन का होता है टाइम लगता है फ्रेंड्स, साड़ी वाले में काफ़ी जल्दी होता है। तो आप लोग इसकी देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि इसकी चौड़ाई कितना हो। तो 1 इंच के लगभग आपने इसकी कटिंग करनी है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर लगा लिया है पीले कलर को। तो यहाँ पे देखिए पहली सिलाई है हमारी, पहली सिलाई है डिज़ाइन की। तो जैसे ही आप फंदे डालेंगे तो यहाँ पे देखिए हम पहले ही फंदे में एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो फंदा देखिए हम साड़ी से ऐसे आप लोग को बढ़ाना बताए हैं, दो हिसाब से बताए हैं। आपको जो सही लगे आप उसी हिसाब से फंदे को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फंदे बढ़ा लिया है, बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएँगे। ये देखिए हम एक एक फंदे अब देखिए फ्रेंड्स, 3 फंदे हमारे यहाँ पे हैं। इन 3 फंदे को हम छोड़ देंगे। 3 फंदे को छोड़ने के बाद देखिए हम पीछे की साइड से पलट लिए और धागे को अपनी साइड लाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक एक ऐसे फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये वाली कली ऐसे बनेगी। तो अब देखिए फिर हम पहले फंदे को ऐसे डालेंगे और सिलाई के ऊपर से ले जाके यहाँ पे एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। अब देखिए एक फंदे हमने बढ़ाने के बाद उस साइड से हम 3-3 फंदे छोड़ते हुए आएंगे। हम यहाँ पे 3 के फंदे के हिसाब से छोड़ रहे हैं। जैसे आप लोगों को बताया है 2 के हिसाब से छोड़ना, वैसे इस वाले डोरमेट में हम लास्ट तक 3-3 फंदे छोड़ते हुए आएंगे। देखिए यहाँ पे हमने पहली रो में 3 फंदे छोड़े, फिर 3, फिर 3, फिर 3, हर बारी में हमने 3-3 फंदे छोड़ने हैं। देखिए 3 छोड़ा, फिर छोड़ा, फिर 3, फिर 3। फिर हम सिलाई को ऐसे अपनी साइड मोड़ लेंगे। देखिए इसको अपनी साइड लाएंगे और बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए फिर अब हम
आगे की साइड आ गए हैं। आगे की साइड आने के बाद हमने वही रिपीटेशन करना है बार बार। देखिए, फिर हम इसके ऊपर से ले जाएंगे। एक फंदे हमने बढ़ा लिया, फिर देखिए, फिर हम यहाँ पे तीन फंदे छोड़ दिए और सिलाई को अपनी साइड हम पलट लेंगे। बाकी के फंदे को हम फिर से बनाएंगे। फिर देखिए, यहाँ से फंदे को बढ़ाते हुए जाएंगे और इस साइड से हम तीन तीन फंदे छोड़ते हुए आएंगे। देखिए, फिर हमने यहाँ पे तीन फंदे छोड़ दिए। फिर हम सिलाई को अपनी साइड पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इधर के साइड के फंदे को बनाएंगे। तो ऐसे ही ये देखिए, अभी हमने यहाँ पे दो बार हम बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बना लिया। इतना बनाने के बाद यानी हमारी ये वाला शेप देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाला बनाएंगे। तो इसके लिए जैसे हमने यहाँ पे एक एक फंदे बढ़ाए हैं, वैसे ही हम एक एक फंदे यहाँ पे अब घटाएंगे। तो पहले फंदे को हमने एज स्टिच उतार लिया। ऐसे धागे को अपनी साइड लाएंगे, यहाँ पे दो फंदे का एक करेंगे। अब देखिए, हम घटा रहे हैं फंदे को। जैसे हमने एक फंदे में दो फंदे बढ़ाया था, अब घटाया यहाँ पे देखिए ये। अब इन्हीं तीन फंदे को हमने पहले बनाना है। ये देखिए, इन्हीं तीन फंदे को हमने बना लिया ये। फिर हम आगे की साइड आ गए। पहले फंदे को ऐसे उतार लिया, धागे को अपने साइड लाएंगे, इन दो फंदे का एक करेंगे और यहाँ से हम तीन फंदे ले लेंगे। हर बार हमने पहली रो में तीन फंदे ही आएंगे, उसके बाद हम देखिए तीन फंदे इसको ले लिए। अब यहीं से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद बस यही फंदे हम ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, इसको हमने ऐसे बना लिया। फिर देखिए हमने क्या करना है। पहले फंदे को हमने एज स्टिच उतारा, धागे को अपनी साइड लाएंगे हम। फिर यहाँ से देखिए दो फंदे का एक करेंगे। दो फंदे का एक करने के बाद देखिए, जो पहले सिलाई में बनाए थे वो तो सब बनाएंगे। फिर हम यहाँ से अब तीन फंदे लेंगे। देखिए, हमने तीन फंदे ले लिए। अब सिलाई को अपनी साइड हम पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब ये चौड़ी बड़ी क्यों बनी है और ये पतली। तो इसका फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये थोड़ा पतला कट किया हुआ है और ये बहुत सॉफ्ट साड़ी थी तो इसलिए ये काफ़ी पतली हो गई है। देखिए, यहाँ से मुड़ गई है और ये देखिए चौड़ी है, तो इसलिए एक छोटा एक बड़ा ऐसे लग रहा है आपको। लेकिन हमारी कली जब बनेगी तो ये परफेक्ट आ जाएगी। अब देखिए, लास्ट तक हम यहाँ पे तीन बनाते हुए, अब आपने क्या करना है, पीछे की साइड से हम यहाँ पे सेकंड कलर लगा लेंगे, ये रेड कलर को। फिर हमने वही बार बार रिपीट करना है। तो देखिए कितनी खूबसूरत बनी है फ्रेंड्स। अगर आप लोग इसे बड़े में बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, इसके बाद मैं आप लोग को बड़े में बनाना बताऊँगी। और कोई भी आप लोग डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग कैसी डिज़ाइन ऊन से बनाना चाहते हैं या साड़ी से बनाना चाहते हैं, जैसा भी। और फ्रेंड्स, और इसके अलावा, डोरमेट के अलावा आप लोग क्या देखना चाहते हैं, बेबी के लिए स्वेटर या उलेन ब्लाउज, शॉल, स्टॉल, कोई सा भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं
तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके बाद मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।